नमस्कार दोस्तों, हिंदू सम्मान फाउंडेशन की इस न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं काफ़ी दिनों से नोटिस कर रहा हूँ कि हमारा जो एवरेज व्यू टाइम है वीडियोस का, वो घट गया है। नॉर्मली दोस्तों, जो एंटरटेनमेंट के चैनल्स हैं या ऐसे चैनल्स हैं जो हिंदू ओरिएंटेड नहीं है, तो जो एंटरटेनमेंट के चैनल्स हैं उन पे व्यूज बहुत आती हैं, उनकी वीडियोज बहुत चलती है। बट आई वॉन्ट और रिक्वेस्ट एवरीवन हु इज वॉचिंग दिस वीडियो कि आप हमारी वीडियो जिम्मेदारी से देखें। हम कोई एंटरटेनमेंट की वीडियोज नहीं बनाते, हम इश्यूज उठाते हैं, फैमिली से आपको मिलाते हैं, नीडी फैमिली से मिलाते हैं, फिर उनकी हेल्प की वीडियोस बनते हैं। और तो डेफिनेटली बात है, हमारी वीडियोस का जो ट्रेंड है, इट इज़ नॉट गोइंग टू मच डिफरेंट, इट्स गोइंग टू बी सिमिलर। बट प्लीज कीप वॉचिंग दीज वीडियोस, बिकॉज हमारा दोस्तों चैनल ग्रो होएगा, ये वीडियोस लंबी चलेंगी, ज़्यादा देर तक इनका एवरेज ड्यूरेशन होएगा, तभी ये वीडियोस रिकमेंडेशन में आएगी। तो प्लीज़ जिम्मेदारी के साथ हमारी वीडियोस देखें, बिकॉज कहीं ना कहीं आपका वीडियो देखना हमारे चैनल को ग्रो करता है, हमारे संगठन को बढ़ाता है। आज मैं दोस्तों कहाँ खड़ा हूँ, बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि हम लोग ऐसी फैमिली से आपको मिलाते हैं जिनके मुस्लिम नेम्स हैं, बात करने का तरीका उनका मुस्लिम समाज जैसा है, खासतौर से पाकिस्तानी हिंदू फैमिली। लेकिन ऐसी बात नहीं है। देखिए, आज एक परिवार ने दोस्तों तुलसी लगाई है अपने घर के सामने। ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, इट्स वेरी मीनिंगफुल फॉर दीज फैमिलीज। कहीं ना कहीं ये फैमिलीज इस माइंड सेट से आती हैं भारत में कि हम यहाँ के समाज में डले। और समाज का काम क्या है दोस्तों, हमारा समाज जो खासतौर से जो हिंदू समाज है, देश विदेश का हिंदू समाज इस टाइम पर एक ड्यूलडम में है। बांग्लादेश का इशू खड़ा हो गया दोस्तों, कश्मीर का इशू है, और हम ये सोचते हैं कि यार कोई ना कोई नेता करे, कोई मोदी जी करे, योगी जी करे, समबडी एल्स डू और वर्क। लेकिन दोस्तों ये चीज समझना, और बहुत सारे लोगों को ये चीज समझ में आती है कि अगर समाज ही इकट्ठा आए तो सारे काम यूं होने लगते हैं। हमारी वीडियोस में आप देखते हैं, एक फैमिली को मिलाते हैं, फिर उस फैमिली की हेल्प भी होती है, उसके बीच का जो प्रोसेस है इट्स वेरी डिफिकल्ट, इट्स वेरी टीडियस। जो हम काम कर रहे हैं दोस्तों, इट्स नॉट ईजी। कोई भी हिंदू संगठन ये काम नहीं कर रहा है, वर्किंग ऑन द ग्राउंड। बहुत सारे लोगों से हमें बात करनी पड़ती है, लॉजिस्टिक्स अरेंज करनी पड़ती है, शॉपिंग करनी पड़ती है, पूरा दिन सुबह से लेकर रात हो जाती है, हम लोग बिजी होते हैं। जो लोग हमें क्लोज से जानते हैं, जो लोग हमसे मिले हैं, वो इस चीज को अंडरस्टैंड करते हैं। इट्स वेरी डिफिकल्ट। जितनी बड़ी से बड़ी कोई ऑर्गेनाइजेशन है इंडिया में, जो हिंदू ऑर्गेनाइजेशन है, वो ये काम नहीं कर रही है विच वी आर डूइंग। सो इट्स ए वेरी टीडियस जॉब एंड वी नीड योर सपोर्ट। हम चाहते हैं पूरी फैमिली के साथ इन वीडियोज को देखें और पूरी जिम्मेदारी के साथ देखें, बिकॉज आपकी हेल्प हमें चाहिए ताकि हम पूरे देश विदेश के हिंदुओं की हेल्प कर सके, जो नीडी फैमिलीज हैं। बांग्लादेश रिलेटेड दोस्तों मेरे पास बहुत मैसेजेस आए, बांग्लादेश का इशू इज वेरी कॉम्प्लेक्स। वेरी सून हम एक पूरी सीरीज शुरू करेंगे, पूरा इशू आपको समझाएंगे। वो इशू पाकिस्तानी हिंदुओं से भी ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, इट्स वेरी डिफिकल्ट, और बहुत सारी हेल्प जो उनको मिलनी चाहिए वो उनको नहीं मिल रही है। वहां भी अभी भी नरसंहार हो रहा है, बर्बरता हो रही है, और हमारा देश के जो पॉलिटिकल सिस्टम है, जो गवर्नमेंटल सेटअप है, उसने 90s की तरह, जैसे कश्मीर का जो इशू हुआ था, कश्मीर के हिंदुओं का मारा काटा भगाया जा रहा था, तब हमारे देश के पॉलिटिकल सिस्टम ने आंख मीच ली थी, आंख बंद कर ली थी। सेम चीज इस टाइम हो रही है, हिंदू सरकार होने के बावजूद, इतनी ज्यादा पॉलिटिकल पावर होने के बावजूद, वी आर डूइंग नथिंग एज ए कंट्री टू हेल्प बांग्लादेशी हिंदू। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। ये लेकिन क्यों हो रहा है, इसको हम कवर करेंगे। आज दोस्तों हम कहाँ हैं, आज हमने फिर से एक अच्छा घर बनाया, नया घर बनाया, एंड इट्स कम्प्लीटली डिफरेंट होम दोस्तों, जिनकी वजह से ये संभव हो पाया है। मैं फिर से उनको धन्यवाद भी देता हूँ दोस्तों, श्री हेमंत मेहता जी और श्रीमती लीना मेहता जी, जो भी ये सहयोग करते हैं दोस्तों। आपने जो इनके पेरेंट्स है, लेट पेरेंट्स है, श्री रमनलाल मेहता और श्रीमती ललिता बहन मेहता, इनकी याद में, इनकी मेमोरी में ये करते हैं। आप हमारे साथ प्लीज जुड़े, मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग हिंदू सम्मान फाउंडेशन से जुड़े। ये संगठन आपका है, ये संगठन पब्लिक संगठन है, कम्प्लीटली नॉन पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एंड कम्प्लीटली चैरिटेबल है। हमारा उद्देश्य एक ही है दोस्तों, कि हिंदू ही हिंदू की मदद करे, और हमारे लिए हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट और सारे हिंदू, हिंदुओं में हम जात पात नहीं मानते। आइए मैं आपको इस घर को अंदर से चीज दिखाता हूँ। ये घर दोस्तों ऊपर से फ्लैट है दोस्तों। नॉर्मली आपने हमारी वीडियोस में देखा होगा कि हट टाइप हम लोग घर बनाते हैं दोस्तों, अभी ये हट टाइप नहीं है। इस काइंड ऑफ ए रूम, अगर आप दोस्तों जहां मैं खड़ा हूँ
यहाँ पर देखो दोस्तों, फर्श दोस्तों पक्का है। फर्स्ट टाइम हमने ये पक्का कंक्रीट का फर्श बनाया है, बिकॉज यहाँ पर दोस्तों पानी आता है। सो इट्स अ डिफरेंट सिनेरियो हियर। जाली हम देते हैं मच्छरों से प्रोटेक्शन के लिए। तो ये लाइट वाला बड़ा अच्छा सा घर है। और दोस्तों जिस परिवार को ये घर मिला है उनकी वीडियो में ऊपर शेयर कर देता हूँ। दोस्तों आइए उस परिवार से मिलते हैं, उनसे बात करते हैं, फिर मैं वीडियो क्लोज करता हूँ। मैं चाहता हूँ वीडियो को आप आखिर तक देखें। इस भाई का नाम है सुखी, सुखी राम दोस्तों, और बहन का नाम है बागबरी। इनके दो बच्चे हैं। प्रीवियस वीडियो प्लीज इनकी चेक करें आप। आइए इनसे बात करते हैं। सुखी भाई, प्रीवियस वीडियो में जो आपकी वीडियो पहले बनाई थी और तब आपने घर की शिकायत बताई थी, अब आपका घर बन गया, क्या बोलोगे जिन्होंने आपको घर दिया, जिनकी वजह से घर मिला आपको? हम तो पहले उनका ही धन्यवाद करेंगे अंकल का, जिसने हमें ये महल जैसा घर बना के दिया, हमें नया फर्श बना के दिया। हम तो गांव के धूल मिट्टी में रह के वहीं झुपड़पट्टी में रहते थे, वहां पे हमने कभी अपना फर्श नहीं देखा जहाँ पे बच्चे खेल सके, रह सके। हमें बहुत अच्छा लग रहा उस भाई के लिए। हम दुआ दे रहे हैं बच्चों समेत, वो भाई की उम्र हमेशा के लिए 100 साल से भी ज़्यादा हो, पैसे तो इतने हो जब जितने बांटे उतने कम हो। अच्छा, ये तो बहुत अच्छा बोला ना हेमंत मेहता जी। देखिए आपके लिए कितना अच्छा आशीर्वाद दिए उन्होंने, थैंक यू वेरी मच अगेन। क्योंकि दोस्तों मैं चाहता हूँ हेमंत मेहता जी के लिए आप कुछ लिखें। ये रेगुलर हमारे डोनर हैं, बहुत सपोर्ट करते हैं, तो बहुत सारी फैमिलीज को ये हेल्प कर रहे हैं, तो थैंक यू वेरी मच। मैं चाहता हूँ इनके लिए कोई आप अच्छे 2 शब्द लिखें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू एनकरेज दीज पीपल जो सामने आ रहे हैं, क्योंकि इतने सारे लोगों की हेल्प हो रही है, तो थैंक यू वेरी मच सर। आइए बहन से बात करते हैं। अच्छा बागबरी बहन, बताओ कैसा लग रहा है अभी? बहुत अच्छा लग रहा है। आप तो मेरे को बहुत फोन कर रहे थे बार बार दोस्तों, इसने मेरे को बहुत फोन कर रहे हैं। अब बताओ कैसा लग रहा है? बारिश में बहुत दिक्कत हो रही थी, छोटे छोटे बच्चे, मैंने बोला कहाँ पे लेके घूमते रहे। जितने भी ये घर बनाए इसका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद आपका भी दोस्तों। ये घर दोस्तों फिर से दिखाता हूँ, इट्स ऑल कॉन्क्रीट नीचे और साइड से दोस्तों इस बैम्बू हट। इनको 2 बेड भी दोस्तों दे रहे हैं। आई रियली वॉन्ट एवरी वन टू सपोर्ट दीज फैमिलीज। हम चाहते हैं ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े, और बट वी नीड एवरी वन सपोर्ट यहाँ तक देखने के लिए। आपका वीडियो को बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोगों को आप इनकरेज करें कि ताकि ज्यादा ड्यूरेशन तक हमारे वीडियोज देखें और जिम्मेदारी के साथ देखें। यू आर पार्ट ऑफ HSF, प्लीज ज्वाइन अवर YouTube मेंबरशिप। हमारे संगठन को बड़ा करना बहुत जरूरी है। मैं चाहता हूँ ज्यादा से ज्यादा लोग हमारे YouTube मेंबरशिप लें, क्योंकि ये हमें कहीं ना कहीं सपोर्ट करेगा। एंड जो प्लेटफॉर्म है YouTube का दोस्तों, इसको भी अप्रिशिएट करने की ज़रूरत है, क्योंकि इसी प्लेटफॉर्म के माध्यम से ही हम ये इतनी बड़ी फैमिली क्रिएट कर पाए हैं। तो दोस्तों आपको मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, हमने अभी रिसेंटली Instagram पे 50,000 फॉलोअर्स अचीव करे हैं, और Facebook पे भी हमने दोस्तों 50,000 प्लस फॉलोअर्स अचीव करे हैं। प्लीज़ फैमिली को बड़े होने में हमारी मदद करें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू वांट टू कंट्रीब्यूट HSF, डिटेल्स वीडियो डिस्क्रिप्शन में, मेरा नंबर वीडियो डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक नमस्कार, बाय बाय।